मजदूर दिवस के अवसर पर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मजदूर संगठनों ने रैली निकाली। रैली में तमाम असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के साथ ही मजदूर नेताओं ने शिरकत की। सभी ने शिकागो शहर में 1886 बलिदान देने वाले मजदूरों को श्रद्धांजलि दी। मजदूर दिवस पर मजदूर नेताओं ने कहा कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की वजह से जनता परेशान है। आवश्यक वस्तुएं दिनों दिन महंगी होती जा रही हैं और इसका सीधा असर निचले तबके के लोगों पर पड़ रहा है। मजदूर नेता RP बड़ौनी ने कहा कि सरकार श्रम कानूनों के साथ छेड़खानी कर रही है, जिससे मजदूरों का हित प्रभावित हो रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि श्रम कानून के साथ ही न्यूनतम वेतन मान लागू किया जाए, साथ ही श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश और 8 घंटे काम करने के साथ ही देखा प्रथा बंद की जानी चाहिए। जो सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को जो है उनके जो हितों के जो है अनदेखी की जा रही है, उन तमाम सवालों को लेकर तमाम होटल स्कूल दुकान का मजदूर आज सड़कों पे, न्यूनतम वेतन के सवाल पे हो, बोनस के सवाल पे हो, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। राज्य में वही केंद्र में बैठी हुई सरकार आज जो है जीने लायक जो है कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। इन आक्रोश को लेकर सरकार के खिलाफ जो जनता का जो है मजदूरों का जो आक्रोश है वो आज सड़कों पर इस बारिश में भी दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।